सो गाइस जिम से अभी आए हैं जस्ट थोड़ी देर पहले और फ्रेश हो चुके हैं। अब जा रहे हैं ससुराल, वहाँ से इन्विटेशन है इडली सांभर और चटनी। ये बना है सांभर का पता नहीं, चटनी का पता है। तो होल फैमिली इनवाइटेड है, पापा को छोड़ के। पापा भी हैं बट पापा नहीं गए, पापा यहीं पे हैं। जा रहे हैं और इन्जॉय करेंगे भाई इडली और चटनी। दावत हो गया है, अब जा रहे हैं अपने घर। क्या पिताजी का फोन भी आ रहा है, आपके बाबूजी का फोन आ रहा है। सुबह ब्लॉगिंग के समय बीच में फोन भी आ रहा है पिताजी का। बैंक अभी बैंक ही नहीं खुला होगा। सिखा रही है, बोल दीजिए पापा जी को फोन कर रहे हैं कि बैंक में अभी बैंक नहीं खुला होगा। कहाँ है भाई रिक्शा वाला? हाँ रिक्शा, मुझे रिक्शा का नंबर। ये क्या हो रहा, क्या हो रहा है? अरे तुम भी चलो ना, जब जा रहे हो लोगों के साथ में हैं, चलो विशाल कुछ लेना हो तो ले लेना वहाँ से। हमको तो मार्केट नहीं जाना है। वो लोग भी जाएंगे विशाल में जाएंगे। वो है इसमें रिचार्ज, पता नहीं। हाँ रिचार्ज करा दिया। सो गाइस निकलेंगे थोड़ी देर में होटल के लिए, लेकिन होटल जाने से पहले एक बैंक में एक काम था। ठीक है, हमारे ससुर जी हैं, उनका अकाउंट ट्रांसफर कराना था, तो उसी से रिगार्डिंग बैंक में कुछ काम था। फिर वहाँ से काम करके मेरा अकाउंट खुलवा दीजिए ना, निकलेंगे होटल के लिए। हाँ मेरा अकाउंट खुलवा दीजिए ना। तुम्हारा अकाउंट क्यों खोलना है? हाँ हैं, तुम्हारा अकाउंट क्यों खोलना है? मेरा अकाउंट तुम्हारा अकाउंट अलग है, जॉइंट। मैडम कोई अपना अकाउंट खुलवाना, क्या करोगे उसको? पोस्ट ऑफिस वाला बंद हो गया। अच्छा, सेपरेट रखना चाहती है? पोस्ट ऑफिस वाला चालू हो गया, बंद हो गया है अभी से। मन में वो हो गया है मतलब कि अलग अलग अकाउंट होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस वाला छुट्टी के दिन चलेंगे। क्या पोस्ट ऑफिस बंद हो गया, अकाउंट ही खुला है। पोस्ट ऑफिस में हमने बच्चों के नाम से अकाउंट खुलवाया था, जिसमें हर महीने हम लोग कितना करते थे जमा? 8,000 रुपये हम लोग जमा करते थे। 4,000। तो मैडम सोच रही हैं कि उसी में फिर से मतलब एक सेविंग करने की प्लानिंग में है। मेरे पर्स मतलब से पैसा नहीं, 20 रुपया मिले तो 10 रुपया उसमें डाल, पर्स में से पैसा निकलता जाएगा, उसमें जलता जाएगा। आज सैटरडे की फ्राइडे है। अच्छा, आज बच्चों की छुट्टी जल्दी होगी। क्यों, मैसेज आया है? देखिए तो नहीं मैसेज आया, देख लेते हैं। देखिए गाइस, आज फिर लेट हो गया, कॉर्पोरेट इवेंट था। तो उसी बीच मैडम को भी फोन आया था कि कब तक आ रहे हैं, कब तक आ रहे हैं। तो हमने बोला कि आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, लेकिन आवाज़ उनकी थोड़ी सी जैसे रूढ़ गुस्से में। तो अब जाके देखते हैं। और उनको मनाने के लिए हमने गुलाब का फूल ले लिया है। अब देखते हैं मैडम मानती कि नहीं मानती है। वैसे मान जाएंगी, इतना खूबसूरत फूल लेके कौन नहीं मानता है भैया। और उनका गुस्सा भी जायज़ है, आजकल थोड़ा लेट हो जा रहा है जाने में। और सबसे मेन चीज़ होता है कि बच्चों का स्कूल होता है सुबह, तो अगर लेट तक सोएंगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है उठने में। सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता है, बच्चों का स्कूल 7 बजे तक मतलब इनको निकल जाना है यहाँ से। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि नींद ख़राब होती है अगर मैं लेट जाता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि जल्दी जाऊँ, बट क्या करें, हम लोग का लाइन ही ऐसा है कि फंक्शन जब हो रहे होते हैं तो हमारा रहना यहाँ इम्पोर्टेंट है। हम लोग करना कुछ नहीं पड़ता है, हमारा प्रेजेंस ही सब कुछ करता है। तो वही है कि अब मैडम को कैसे समझाए, कई बार समझाए लेकिन नहीं समझती हैं। तो अब ये लेके जा रहे हैं, अब इससे समझेंगे। सो गाइस निकल रहे हैं, अब खाना तो हो गया खा लिए। सो गाइस आ चुके हैं घर में और मुझे लग रहा है कि मैडम सो चुकी हैं, बट कोशिश किया जाएगा जगाने का। क्या रिस्पॉन्स मिलता है जब ऐसे हाथ रख के मैडम सोए, तो समझ लेना कि मैडम जगी हुई है। ये देखिए,
नींद खुल गया है मैडम। पानी मतलब ले नहीं रही है, बोले थैंक यू भी नहीं बोला, बोले पानी में तो पकड़ो। नींद में ये सब नहीं करना चाहिए, कोई रिस्पांस प्रॉपर नहीं मिलेगा। और आप भी ये बोलोगे अरे यार गलती कर दिया लाके, बदमाश कंपनी देखिए एक ऊपर लड़े में हैं। कुछ और नहीं लाए भैया, क्या चाहिए हैं? कुछ नहीं चाहिए और कुछ और लाएँ, पिलाए तो पीने के पियो फुल के पिछ लाए हूँ। हमको लगा मैडम नाराज़ होंगी आज, डेली डेली लेट आने का आवाज़ ऐसे था, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हमको लगा कि शायद घर में कुछ हुआ होगा बच्चों की वजह से, नहीं तो आपस में हाँ भाई बच्चे परेशान करते रहते हैं, तो मार पिटाई हुआ होगा बच्चों का, इसीलिए मुंह फूला होगा, क्योंकि मारने के बाद मुंह एकदम ऐसे हो जाता है। लाओ पसंद है क्यों पी रहे हो, ला दो। सो गाइस ऑनलाइन एक चीज़ मैंने मंगाया है जो डिलीवरी आ चुकी है मेरे पास, मैं लेके आ रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। मैडम से ही खुलवाएंगे क्या है, तुम ही खोलो इसे, खोलो क्या है, खोलो देखो। लगाओ जरा, अरे इधर आइए। न्यू हेयर स्टाइल, सबके सलमान खान बाल जैसे थे मेरे, देखो जो आप रे ये एक्चुअली लगा नहीं पा। सच में आने को मन नहीं, मैडम बोल रही है कि लड़की बन गई हो तो अब आपके पास आने का मन नहीं कर रहा है। लड़की नहीं है आजकल तो, बड़े बड़े फॉरनर्स स्टाइल रखते हैं ऐसे भाई। सो गाइस मस्ती करते करते काफ़ी लेट हो गया, चलेंगे अब वीडियो की एडिटिंग भी करनी है। होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा गाइस, करीबन 12 बजने वाले हैं। आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग, ये देखिए हमारी टीम बैठी हुई है, गर्लफ्रेंड हाँ नई गर्लफ्रेंड जो भी आई थी आपने देखा है, उसको भी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर बताइए कैसा लगा।